तो दोस्तों इस प्रकार से आइए हम अपने साइट पर चले आए हैं। दोस्तों यहाँ से वृद्धावस्था था पेंशन भी ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन आज हम निराश्रित महिला पेंशन के बारे में जानेंगे, इसके बारे में ऑनलाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों अगर पुराने आवेदक हो तो अपने पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं यहाँ से ऑनलाइन टाइप करने के बाद। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, केवल ऑनलाइन के ही बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पात्रता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों आयु 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए एक विधवा महिला पेंशनर को, और आय जो है कि मैक्सिमम सालाना 2 लाख से ज़्यादा ना हो। पेंशन आवेदिका का कहीं पर भी पेंशन न मिलता हो, और पेंशन की राशि है 500 रुपया पर मंथ। दोस्तों आवेदन के लिए आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, पति की मृत्यु का प्रमाण चाहिए, और बैंकिंग विवरण चाहिए, और आय प्रमाण पत्र लगेगा, जो कि मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ से कट कर देते हैं और चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ से योजना के विषय में जान सकते हैं, आवेदन का प्रारूप देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लॉगिन विवरण में जिला प्रमोशन अधिकारी दिया है, वीडियो SDM ब्लैक लेवल का अधिकारी लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों हम पेंशनर की सूची आगे वाले वीडियो में बनाएंगे, सबसे पहले हम ऑनलाइन करते हैं। तो सिंपली यहाँ से क्लिक करने के बाद इस पेज पर चले आइएगा आप लोग। यहाँ से अपना देखिए यहाँ पर दिया भी है महिला कल्याण विभाग, और सिंपली दोस्तों यहाँ से हम लोग अपना ज़िला चुनेंगे। तो मेरा ज़िला अलीगढ़ है, तो मैं अलीगढ़ चुन लेता हूँ, आपका जो ज़िला हो चुन लीजिएगा। सिंपली दोस्तों इसके बाद अगर आपका नगरीय क्षेत्र है तो नगरी चुन लीजिए, मेरा ग्रामीण है इसलिए मैं ग्रामीण चुन रहा हूँ। दोस्तों यहाँ से ग्रामीण चुनने के बाद तहसील, आपका जो तहसील हो वो चुन लेना, मैं अपना चुन ले रहा हूँ। इसके बाद से सिंपली आएगा ब्लॉक, तो जो आपका जो ब्लॉक होगा वो चुन लीजिएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत आएगा दोस्तों, तो ग्राम पंचायत आप चुन लीजिए। उसके बाद विलेज यानी गाँव आएगा, तो सिंपली आपको गाँव चुन लेना है कौन सा गाँव है। इसके बाद जो आधार कार्ड पर आवेदक का नाम है वही नाम इस पर टाइप करना है। यहाँ पर फीमेल डायरेक्टली केवल महिलाओं के लिए हैं, तो ऑटोमेटिक चुना रहता है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ चुनेंगे हम लोग, तो वीडियो को पुश करके मैं टाइप कर दे रहा हूँ नाम आवेदक का। इसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/1/1975 है, तो सिंपली मैं यहाँ से क्लिक करके एक वहाँ से डायरेक्टली 1/1/1975 चुन ले रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आधार के दूसरे साइड में लिखा रहता है पति का नाम, तो पति का नाम सिंपली हम लोग यहाँ पर चुन ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कैटगरी मेरा OBC है, मैं OBC चुन ले रहा हूँ, आपका जो यहाँ पर होगा वो आप चुन लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आता है मोबाइल नंबर की बारी। दोस्तों इसमें मोबाइल नंबर वही चाहिए जो अन्य पेंशनरों के पेंशन में न रजिस्टर्ड हो, तो सिंपली मैं वीडियो को पुश करके भर ले रहा हूँ। इसके बाद फुल एड्रेस, यहाँ पर अपना एड्रेस जो आप ऊपर भरे हैं वही भर देना है नीचे भी, तो सिंपली वीडियो को पुश करके मैं भर दे रहा हूँ। वीडियो लंबी ना हो इसलिए दोस्तों ऐसा करना पड़ रहा है। यहाँ पर बैंकिंग विवरण भरना है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके और बैंकिंग विवरण देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ डाउट है इन लोगों का, कि बोले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा पहले दिया गया था, तो इसमें चेक कर रहा हूँ, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाएगा तो हो सकता है। मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले दिए थे दूसरे जगह, तो हो सकता है कि रजिस्टर्ड हो, इसीलिए मैं दूसरा स्टेट बैंक वाला ही ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा वाला आ गया, लेकिन मैं वीडियो को पुश करके स्टेट बैंक वाला चुन रहा हूँ। सिंपली दोस्तों यहाँ पर देखिए आ गया, IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद अपना ब्रांच चुन लेंगे, ब्रांच चुनने के बाद IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर टाइप कर रहे हैं। टाइप करने के बाद दोस्तों देखिए
यहाँ आय का विवरण है, तो जो आय प्रमाण पत्र होता है वहाँ पर दिया रहता है। तो सिंपली मैं वीडियो को पुश करके आय प्रमाण पत्र भर दे रहा हूँ, यहाँ पर भर दिया। अगली वीडियो में बताऊँगा कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनता है। दोस्तों यहाँ से फ़ोटो चुन लेंगे, फ़ोटो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिंपली मैंने अपना फाइल में बनाकर पहले से ही रख लिया था, यहाँ से चुन ले रहा हूँ। इसके बाद से वीडियो को पुश करके दोस्तों आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र पति का चुन ले रहा हूँ। आधार कार्ड आवेदक का ही होना चाहिए। सिंपली दोस्तों देखिए मेरा फॉर्म ऑनलाइन हो गया। यहाँ पर टिक करने के बाद कैप्चा कोड एक बार रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद वहाँ पर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से सबमिट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल चलेगा, उसके बाद देखिए मेरा आ गया। वीडियो थोड़ा लंबी ना हो इसीलिए दोस्तों ये पुश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों मेरा आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। इसीलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर